दहला देने वाली एक खबर आई है दिल्ली से, जहां सागरिका नाम की एक लड़की गोलगप्पे ना मिलने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। पागल होके चारों तरफ वो भागती रहती है, जो मिला सामने उसको नोच रही है, मार रही है, पीट रही है। एक ही जिद पे अड़ी है वो, उसे अपने गली नुक्कड़ चौराहे पे बिकने वाला गोलगप्पा जो कि रामू जी बेचते हैं वही खाना है उसको। उनके माता पिता से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पे भी बनाए गोलगप्पे, लेकिन लड़की को पसंद नहीं आया, क्योंकि लड़की ने बताया वो अगर खाएगी तो बस रामू जी के गोलगप्पे ही खाएगी, क्योंकि घर में बनाया हुआ गोलगप्पे का स्वाद रामू जी के बनाए हुए ठेले में मिलने वाले गोलगप्पे के स्वाद के साथ बराबर हो ही नहीं रहा है। हम हैरान रह गए जी कि रामू जी ऐसा क्या बनाता है, कौन सा मसाला यूज करता है अपने गोलगप्पे में कि लड़कियां पागल हो रही हैं। बाद में हमने छानबीन किया, पड़ताल करने के बाद पता चला कि रामू काका जो मसाला यूज करते हैं अपने गोलगप्पे में वो ये रहा, जिसको खा के लड़कियां पागल हो रही हैं। वैज्ञानिकों से बात होने के बाद पता चला है, उनका मानना है कि अगर रामू जी का बनाया हुआ गोलगप्पा आजकल नॉर्मल इंसान को भी खिला दिया जाए तो कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। अब शायद आपको पता चल चुका होगा कि दिल्ली के गोलगप्पे इतने टेस्टी क्यों होते हैं। तो ये थी वो खबर जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। हम वापस फिर से मिलेंगे दूसरे कोई एक बड़े सनसनीखेज खबर के साथ इधर ही इसी चैनल पे। उससे पहले मैं बता दूं, आजकल एक और एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बंधु टिकटॉक में भी हैं। बस इतना बोलूँगा कि यूट्यूबर्स जब भी बोर होते हैं वो टिकटॉक चालू करके मुजरा देखते हैं। That's it. जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर।